रितु के पापा जी के जरिए क्या मिला हुआ है गिफ्ट? हाँ, बहुत ही बेहतरीन सा इसमें मिल रहा है चांदी का चम्मच कटोरी और रिंग है दो ठो उसमें चांदी का। अच्छा चांदी का गिलास है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी आप लोग का जो डिमांड था बर्थडे के गिफ्ट की अनबॉक्सिंग का, तो उसका सीरीज चल रहा है जी। हाँ, इतने सारे गिफ्ट मिले हैं कि एक वीडियो में सारा गिफ्ट दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो एक वीडियो हमने डाला जो भी हमारे समाज के जरिए मिला हुआ था, दूसरा वीडियो हमने डाला जो भी हमारे क्रिएटर के जरिए मिला हुआ था, जितने भी हमारे इंस्टा के और यूट्यूब के क्रिएटर थे। और आज जो हम वीडियो डाल रहे हैं वह है जिया के मैके से और रितु के मैके से क्या क्या गिफ्ट मिला है। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि जिया के मैके से क्या गिफ्ट मिला है, इसमें भी बहुत ज्यादा हो गया, इसमें भी अच्छा खासा गिफ्ट हो गया, इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। तो जिया की देवरानी की तरफ से क्या गिफ्ट मिला, तो दोनों जेठानी देवरानी के मैके से क्या क्या गिफ्ट आया है, अपने नाती के लिए क्या क्या गिफ्ट दिए हैं, देरी क्यों करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग। वहाँ भी बहुत लोग हो गए, तो आप देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं इस अनबॉक्सिंग की। तो सबसे पहले जो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वह किनके जरिए है, वह है ललन राय भागलपुर रितु की पीसी। अच्छा, बुआ जी के जरिए है गिफ्ट, जिनके यहाँ हम लोग जनों में गए थे, जिस जनों के वीडियो को आप लोगों ने देखा था, उस वीडियो को बहुत प्यार दिया था, बहुत सराहा था, तो उन्हीं के जरिए जो है हमें गिफ्ट मिला हुआ है। तो देख सकते हैं जिया को थोड़ा खोलने में समय लग रहा है। नहीं, आराम से नहीं खोलना है, जल्दी जल्दी खोलना है, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट है यहाँ पर। ओ भाई साहब, मस्त एकदम पार्टी वियर ड्रेस मिला है क्रियांश के लिए, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस, बिल्कुल। तो क्रियांश के लिए लगता है गृह प्रवेश में पहने लायक बहुत, हाँ पार्टी वेयर है, उसे गृह प्रवेश में भी पहन सकता है, पीला कलर भी हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू बुआ जी, बहुत ही शानदार गिफ्ट है आपका, बहुत ही मजा आ गया। उसके बाद जो आप करते हैं दूसरे गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। बिल्कुल जी, मकनपुर से यहाँ पर आई तो काफी अच्छा लगा। और उसके बाद जो है यह है रितु के पापा का गिफ्ट, तो जल्दी से खोला जाए। रितु के पापा जी के जरिए क्या मिला हुआ है गिफ्ट, और साथ में लिखा हुआ है उनका नाम प्रताप राय एडवोकेट जी। हाँ, वो भी पेशे से वकील है, जिनको भी नहीं पता है तो बता दें, हमारे पापा भी पेशे से वकील है, दोनों जो है क्या बोलेंगे, दोनों समझी जो है वकील ही है। तो उसके बाद जो है खोलते हैं, जल्दी खोला जाए। बहुत सुंदर, इसमें है थाली, गिलास, कटोरी। वाह वाह वाह, नानी इतना प्यार बरसाएंगे इतना। अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छा लगता है जब मैं जाती हूँ वहाँ पे, तो इतना प्यार करती है क्रियांश को, इतना। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि रितु अलग है और जिया अलग है, दोनों को समान तरह से प्यार मिलता है, अपनी बेटी की तरह प्यार मिलता है, तो वही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ देख सकते हैं जी कितना प्यारा सा, कितना बेहतरीन सा, कितना सुंदर सा यह गिफ्ट है। ओ भाई साहब, मस्त मस्त, इसमें एकदम क्रियांश जो है खीर खाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही मस्त सा गिफ्ट है, तो इनको सम्मान के साथ, प्यार के साथ, स्नेह के साथ रख देते हैं। और उसके बाद दूसरा भी गिफ्ट है, प्यारा सा पार्टी वेयर ड्रेस, पार्टी वेयर ड्रेस भी है। ओ भाई साहब, नाना नानी ने तो प्यार बरसा दिया है क्रियांश के ऊपर। नाना नानी की तरफ से दोनों घर से जो इतना मिला, उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, इसलिए हम लोग बना रहे हैं। तो देख सकते हैं जी कितना बेहतरीन सा, कितना प्यारा सा, कितना सुंदर सा गिफ्ट मिला हुआ है, डेलीवियर का भी है। ओ भाई साहब क्या कहे, गिफ्ट ही गिफ्ट, गिफ्ट ही गिफ्ट, गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट, और एक कुछ था, हाँ नहीं और कुछ था जो याद आएगा बाद में देखा जाएगा, तो वो झोला जहाँ भी होगा कोई बात नहीं आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी जो भी है सामने उसको खोला जाए, बाद में दिखा दिया जाएगा वीडियो के अंत में। तो ठीक है, उसके बाद जो है अगला गिफ्ट खोला जाए, दिखाओ तो मठिया है, घर से मठिया। ओके थैंक यू जी, वैसे ही बहुत सारा प्यार बरसा चुके हैं वह। पंकज बाबू जो है, हाँ उनके घर से मठिया मिला है। अच्छा, रितु के चाचा है, और प्रताप बाबू घर से एक मठिया है, एक कपड़ा है, और थारी लोटा बाटी गिलास है जो आप लोग देख रहे, जो की बिल्कुल अभी खोले थे, और आस्तिक वाला तो कपड़ा है ना, देख लीजिए। और छोड़ उनके जो बड़े गाँव वाले चाचा है, उनके तरफ से 500 रुपया बाबू को मिला है, जो बाबू के हाथ में दिया गया है। अच्छा ठीक है, तो वो सब कुछ अभी देखा जाएगा, अभी तो आपने सुना, एक बार जरा सामने से देख भी लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चारों नाना अपना अलग जो है जल्दी से दौड़ करके वो सारा गिफ्ट उठा करके ले आए, तो दिखा देना रितु की मम्मी पापा के द्वारा, कौन सा था, यही मठिया की बात चल रही है, मम्मी पापा बाद में क्रियांश की नानी हो गई है, अब ये देख सकते हैं मठिया है। हाँ हाँ, बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही जबरदस्त था। तो थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी को, क्रियांश को इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। और उसके बाद जो है अब दूसरा खोला जाए, और एक नाना उसमें लिखा हुआ है, अच्छा पंकज अंकल का है, ओके ओके अंकल जी का खोला जाए। रितु के चाचा भी हुए और क्रियांश के नाना भी। खुल जा, खुल ले एकदम, दम लगा के है सा, दम लगाओ थोड़ा सा, और दम, और दम है। जितना बोल रहे हैं और उतना कम दम लगा रही है, बताओ यार अब तुमसे ये खुल नहीं रहा है। पैकिंग क्या जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन पैकिंग है। तो इसके अंदर है बहुत ही प्यारा सा, बेहतरीन सा सिल्वर का मठिया,
तो चांदी का मठिया बहुत ही प्यारा सा है यार। नाना जी क्रियांस की तरफ से, हाँ दोनों को मैं डाल देती हूँ इसमें। ठीक है, तो जल्दी से इसको पैक कर लिया जाए। इसको हम सौ सम्मान बहुत प्यार और आदर से जो यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद जो है क्रियांस फ्रॉम आस्तिक रॉय। ओके, आस्तिक चाचा के द्वारा है। तो ठीक है, आस्तिक चाचा का गिफ्ट को एक बार खोला जाए जल्दी से। चाचा ही हुए और क्रियांस के नाना। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, तो आस्तिक अंकल का जल्दी से खोला जाए। मैं तो अंकल ही बोलूंगा अपने रिश्ते से, तुम क्रियांस के रिश्ते से बोलो। तो यहाँ पर जो है प्यारा सा ड्रेस है और यह डेली वेयर में भी काम देगा। यह बनियान है, छुटकू सा बनियान ड्रेस, बहुत बढ़िया है। आस्तिक अंकल बहुत ही अच्छा खरीदे हैं आप। और ये देखिए जी, ये है टॉवेल, तो बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सबसे ज्यादा क्रियांस यही पहनेगा उसे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और उसके बाद जो है अब दूसरा गिफ्ट की अनबॉक्सिंग किया जाए। हाँ, आप क्या दिखा रही हो, इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है। ये नहीं है, वो चंदन चाचा की वाइफ। अच्छा है, ओके, ठीक है, परी की मम्मी। ये हमारे तरफ से, हमारे फैमिली की तरफ से। तो चाची जी की तरफ से देख सकते हैं कितना प्यारा सा गिफ्ट है। क्रियांस की नानी हुई, हम अपनी चाची बोल रहे हैं उनको। तो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है जी, थैंक यू जी। तो अब जिया के महकी वाले जो भी गिफ्ट है उन सभी का अनबॉक्सिंग हो रहा है। तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है इस गिफ्ट से। उसके बाद जो है अब दूसरा गिफ्ट खोला जाए। तो दूसरा गिफ्ट जैसे ही खोला जा रहा है, इसमें मिल रहा है चांदी का चम्मच कटोरी और रिंग है दो ठो, उसमें चांदी का। ये मेरा बिछुआ। अच्छा, तुम्हारा बिछुआ है। अच्छा, तुमको भी मिला हुआ है। हमारे पांच बाबा हैं, तो चारों बाबा की तरफ से एक मिला हुआ। अच्छा, चारों बाबा की तरफ से एक गिफ्ट है। एक ही है वैसे, सब लोग अलग अलग भी भेजे हैं, लेकिन एक ज्वाइंट गिफ्ट भी है। तो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है, थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी को। और इसमें देखिए, ये तो हमने दिखा दिया। हाँ हाँ, ये दिखा दिया। और इसके बाद एक है, दिखा दो जी। आप कंफ्यूज कर रही है कि आखिर किसका कौन सा गिफ्ट है। ये है हमारी कोमल दीदी जो आई हुई थी। अच्छा, कोमल दीदी जो आई थी वो उनका मैं दिखा नहीं पाई। अच्छा, पिछले ये उसी में डालना था जो भी यूट्यूब का क्रिएटर का अनबॉक्सिंग का डाला था। लेकिन कोई बात नहीं जी, यहाँ पर ही हम आपको बता देते हैं। ये कोमल दीदी की तरफ से। हाँ, तो थैंक यू जी, थैंक यू कोमल जी, अपने प्यारे से बेटे के लिए अपने प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए। तो थैंक यू जी, अब अगले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की जाए। तो जिया के महके से जो भी गिफ्ट मिला है उसको देखने से पहले जो है दो गिफ्ट यहाँ देख लेते हैं। तो यह मिला हुआ है जी, जो भी लॉयर्स का एसोसिएशन है उनके तरफ से एक बहुत प्यारा सा चांदी का यह मठिया, और बहुत ही प्यारा है। तो थैंक यू जी, आप सभी को थैंक यू सो मच क्रियांस को अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और साथ में यह जो गिफ्ट है यह मिला हुआ है। अच्छा, तो इनका देख लेते हैं क्या गिफ्ट है। तो जैसे ही खोलते हैं, इसमें भी हमें दिख रहा है मठिया। तो क्रियांस को मठिया अच्छा खासा हो गया है, प्यारा सा है बहुत। हर दिन एक मठिया पहना करेगा क्रियांस, इतना ज्यादा मठिया हो गया है क्रियांस के पास। ये सब प्यार है क्रियांस के। तो थैंक यू जी, थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब जो है अगला गिफ्ट खोला जाए। तो ये सारा फिनिश हो गया। हाँ हाँ, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला जितना भी गिफ्ट है तुम्हारे महके से है, तो ठीक है चलो अब एक सीक्वेंस में रहेगा, ये अच्छी बात है। तो यह मिला हुआ है जिया की मम्मी की तरफ से। पापा मम्मी सभी एक ही हैं, कोई बात नहीं क्योंकि इसमें उस तुम्हारी मम्मी का नाम लिखा हुआ था। तो यह मिला है जी, क्या देखते हैं। नहीं, डब्बा तो बहुत बड़ा है भाई। वही कह रहे हैं, बहुत बड़ा डब्बा है ये, हमको लग रहा है चूड़ा है क्या। चूड़ा देगी क्रियांस को। तो चूड़ा वाला डब्बा है ये, पैकिंग के लिए कुछ नहीं मिला, रेड कलर का। रेड कलर का बोगली है एक, इस बोगली को खोला जाए। और जैसे ही इस बोगली को खोलते हैं तो अंदर का सामान अभी रिवील होगा। ओ भाई साहब, पैकिंग के अंदर पैकिंग। ये है चांदी का गिलास। अच्छा, चांदी का गिलास है जिया की मम्मी की तरफ से, क्रियांस की नानी की तरफ से। हाँ, पैकिंग बहुत अच्छा है, मम्मी तो नहीं की अपने से, जरूर रिया या अंजलि बुआ की होगी। ये है मम्मी की तरफ से गिलास। तो ठीक है, अब जो अगले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग की जाए। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच क्रियांस को अपना प्यार देने के लिए। यहाँ आए तो वही सबसे बड़ी बात है, और यहाँ करके आपने आशीर्वाद दिया अपने नाती को। तो उसके बाद जो है यहाँ किसका गिफ्ट है। नन्ही फुआ की तरफ से। अच्छा, नन्ही फुआ की तरफ से गिफ्ट है। तो नन्ही फुआ का गिफ्ट जो है खोला जाए, देखते हैं अपने बेटे के लिए नन्ही फुआ ने क्या गिफ्ट भेजा है। जल्दी से खोला जाए। सेम कार है जो एक और क्रियांस। ओह हाँ हाँ हाँ, ये भी बहुत ही यूनिक तरह का कार, इस तरह का दो कार हो गया क्रियांस के पास, बढ़िया है। तो थैंक यू नन्ही फुआ, बहुत ही प्यारा गिफ्ट है आपका, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है अगला गिफ्ट खोला जाए। हाँ, उन्हीं का है ये, उन्हीं का गिफ्ट है। वाह, तो नन्ही बुआ की तरफ से एक और गिफ्ट मिला हुआ है, जल्दी खोल लिया जाए। जी, मुझको वजन से लग रहा है सेलिब्रेशन है ये। हाँ, गिफ्ट एक्सपर्ट हो गए हैं आप गिफ्ट खोलने में। तो थैंक यू नन्ही फुआ, एक चॉकलेट देने के लिए। ये चॉकलेट तो नहीं है, पूरा चॉकलेट का भंडार है, वह सेलिब्रेशन है, अंजलि फुआ का गिफ्ट है। अच्छा, जो भी होगा करेक्शन कर दिया जाएगा, फोन तो आ ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही तुम गलत नाम लेगी तुमको अच्छे से बात सुनने को मिलेगा।
बिल्कुल हाँ हाँ, तो देखते हैं। तो यह हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि यह अंजलि फुआ का गिफ्ट है, अंजलि फुआ का ये पता चल गया इसको। एक बड़ा जैसा किटकैट और डेयरी मिल्क और यह प्यारा सा ड्रेस। हाँ, मेरी मम्मी जब पसंद करती है इसी टाइप का ड्रेस पसंद करते हैं, क्योंकि इस टाइप का ड्रेस जो गंदा नहीं होता है जल्दी। अब जिनका भी मुझे नहीं पता, हाँ हाँ, नाम नहीं था तो उनका गिफ्ट नहीं मिल रहा था, तो मुझे लगा उन्हीं का होगा। उन्हीं का है, तो ठीक है जी। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इस प्यारे से गिफ्ट के लिए। हाँ, तो ये सारा किटकैट हम खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेयरी मिल्क भी हम खा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पति खाएगा तो पत्नी ऑटोमेटिक खुश हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं जी। अब यह जो अगला गिफ्ट है, अच्छा, पापा की तरफ से। मम्मी अपने नाम पे लिखवा ली है, पापा के नाम। तुम बोल रही थी कि दोनों का मिला के एक ही गिफ्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों की तरफ से अलग अलग गिफ्ट मिला हुआ है। नाना जी अलग गिफ्ट दिए हैं, नानी जी अलग गिफ्ट दी है। हाँ हाँ, नाना जी का ही है बिल्कुल। तो नाना जी का गिफ्ट देखते हैं। उसे नाना जी जब हम लोगों के लिए पसंद करते हैं क्रियांश के, तो व्हाइट कलर का कपड़ा पसंद करते हैं। तो देखते हैं नाती के लिए कौन सा कलर है। यह जब भी पूछेंगे तो जुबान पर व्हाइट एनी टाइम मौजूद रहता है। अच्छा, व्हाइट तो नहीं है लेकिन लेमन कलर है, लेकिन लेमन कलर है। इतना सुंदर है, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है, एकदम ब्लैक और इसका कॉम्बिनेशन। ओहो हो, ये देखिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं जी, क्या मस्त है, एकदम बिल्कुल एकदम मिकी माउस बना हुआ है। दो बनियान, अच्छा डेली वियर में यूज भी होगा। वाह, बनियान भी एकदम गजब क्वालिटी का है। जिया के पापा के जरिए यह गिफ्ट मिला है। अब जिया, अगले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग किया जाए। लग रहा था क्रियांश को भी व्हाइट कलर ना दे दे पापा। एक बार हम पापा से पूछ रहे थे कि कौन सा कलर का, तब हमको बता ही नहीं रहे। तो हम कहे नहीं, बताइए ना आप कौन सा कलर। तो कहते हैं व्हाइट कलर का आप शर्ट ले लीजिए, एक नंबर लगेगा। तो हम तो तैयार भी हो गए थे लेने के लिए, तब जिया को फोन किया। जिया कहते हैं नहीं, पापा का हर व्हाइट ही चॉइस रहता है और बाबा का ब्लू, उसे मेरा भी ब्लू ही रहता है, तो कोई बात नहीं। और ये इसको खोला जाए, ये है नीलम रॉय नरकटिया, मतलब मामा की तरफ से। ओके, मामा की तरफ से। कौन से नंबर वाली मामा है ये? ये फैशन वो छोटी चाचा है ना? अच्छा, केशव चाचा के यहाँ से आया हुआ है यह। ओके, नाम तो हमें आज तक नहीं मालूम था। हाँ हाँ, बस चेहरे से पहचानते हैं। जो आई थी? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हम जानते हैं जो आई थी, बस नाम नहीं जानते थे आज तक। छोटी दादी, बड़ी दादी, इस टाइप से जानते थे हम। अब करते हैं जी अगले गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। तो अगला गिफ्ट को खोला जाए। तो इस गिफ्ट को जैसे ही हम खोलते हैं, तो मिलता है इसके अंदर से एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा यह ड्रेस है, फौजी वाला। ओ भाई साहब, लग रहा है एकदम जो है नाती को फौज में बहाल कर देना है। अंजलि फॉक पसंद है ये, उसको ही ऐसा पसंद है। एज ए हंटिंग एज द ट्रेडमार्क, वाह भयंकर। सच में जब शिकार पर जाते हैं एकदम, वो जो ओपन जीप पर रहता है इस टाइप का। तो क्रियांश के लिए बहुत ही बेहतरीन सा ड्रेस, बहुत ही यूनिक सा ड्रेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ होता है गिफ्ट अनबॉक्सिंग के कार्यक्रम को खत्म। अच्छा, खत्म हो गया यहाँ? हाँ। हमको लगा अभी और भी बचा हुआ है। तो चलो फाइनली खत्म तो हुआ जी। यहाँ था गिफ्ट जो जेठानी और देवरानी के मायके से आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। और जितने भी गिफ्ट है जी, बहुत ही प्यार से भेजा है, बहुत ही यूनिक तरीका का भेजा है, काफी पसंद आया। उम्मीद करते हैं आपको भी इतना ही पसंद आया होगा। और फिलहाल जो माँ आ गई है, एक बात उनको कहना है, तो माँ जो है अपना बात रख सकती है यहाँ। मुझे गौतम का गिफ्ट मिल गया है, जो आलमनगर से है, जहाँ माँ कार्यरत थी। और बहुत धन्यवाद गौतम को। एक बात और कहना है कि आलमनगर या ग्वालपाड़ा या बिहारी की जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, उन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि ता उम्र मुझे वो लोग ख्याल रखेंगे। बिल्कुल, आगे कब तक ईश्वर साथ में रहते हैं। सही बात है जी। तो माँ बात कर रही थी अपनी कर्म भूमि की, जहाँ पर नौकरी के आखिरी 2 से 3 साल माँ ने बिताए हुए हैं, तो वहीं के बारे में बात कर रही थी। तो उम्मीद करते हैं उन तक माँ की आवाज जो है पहुँच गई होगी। वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। और हाँ जी, हमारे वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।